3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव की मतगणना होनी है, जिसको लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। इसी क्रम में आज सीहोर कलेक्टर महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज मतगणना स्थल पर पहुंचे, जहां आयोग द्वारा नियुक्त प्रशिक्षकों की ने मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह ने मतगणना के लिए की गई व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार से जानकारी ली। यहाँ पर हमने जो हमारे जिले के जिला जनसंपर्क अधिकारी उनकी ड्यूटी लगाई है, उनके साथ उनकी टीम रहेगी। जो भी मीडिया के साथी आएंगे सबसे पहले इस मीडिया रूम में बैठेंगे। यहाँ पर उनके लिए टीवी की और तमाम जो आयोग के निर्देश से वैसी व्यवस्थाएं की गई है। उसके बाद में हमने पीआरओ के साथ जिनकी ड्यूटी लगाई है उन वो लोग जो है 10-10 के ग्रुप बनाकर मीडिया के साथियों के अंदर मतगणना हॉल तक लेके जाएंगे और मतगणना हॉल में वो जाके उसको जो आयोग के निर्देश हैं कि किसी भी मशीन को ऐसे नहीं कैप्चर करना है कि उसमें वोट्स दिखें, तो जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से सब लोग जो है कवरेज करेंगे और कवरेज करके वापस इसी हॉल में आएंगे, फिर दूसरा ग्रुप जाके उस कवरेज को शूट करेगा। सर, ये डाक मतपत्रों की गणना विधानसभा वाइजी जहाँ विधानसभा ईवीएम खुलेगी वहीं होगी या उसके लिए अलग व्यवस्था है? पूरी की पूरी जो मतगणना है वो एक ही हॉल में हो रही है। हमारे यहाँ 4 विधानसभा है तो मतगणना के 4 ही हॉल हैं, तो चाहे ETPVS हो, चाहे डाक मतपत्र हो और चाहे मशीन में डाला गया वोट हो, सभी एक ही हॉल में रहेगी। उसी हॉल में प्रत्याशी रहेंगे, उसी हॉल में प्रत्याशी के एजेंट रहेंगे, उसी हॉल में चुनाव आयोग के प्रेक्षक महोदय रहेंगे, उसी हॉल में आरओ रहेंगे। तो सारी की सारी चीज़ें एक ही कक्ष में एक ही छत के नीचे हो रही है, कहीं कोई अलग अलग जगह नहीं हो रही है।